नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, मैं नीतीश कुमार यादव बोल रहा हूँ सर, हाँ जी, उत्तर प्रदेश से, आजमगढ़ जिले से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बताइए। सर मैं बीएड किया हूँ और मेरा सर यूपी टेट 2021 में 103 नंबर है सर। ठीक है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि हम लोग के लिए सर आगे की प्रक्रिया क्या होगी सर। 2000 जो 11 अगस्त को बीएड को बाहर कर दिया गया है जी, तो इसके बारे में सर आपसे जानना चाहते हैं सर, आज की वीडियो। ये आपसे किसने कहा कि बीएड को बाहर कर दिया गया है? सर ऐसा तो हमने जो जो कोर्ट का जो आदेश आया था उसको उसको बारीक से पढ़ा, इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि बशर्ते वह जो एनसीपी की गाइडलाइन जो बनी थी उसी को निरस्त किया है। तो जब आप पढ़े हैं और जो एनसीटी की जो 2018 वाली गजट है उस जी गजट को निरस्त किया है और पूरे ऑर्डर में सिर्फ गजट निरस्त की बात की गई है, ये कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर करना है या नहीं लेना है, जी 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 तो फिर जो चीज लिखा ही नहीं है, जो चीज उसमें है ही नहीं है, तो फिर वो उस पर क्यों बात करना? जी सर, और ये जो नई शिक्षा नीति या नीति लॉन्च की है उसमें बीएड को प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता नहीं दी गई है, सिर्फ बीएड ही रहेगा। जी सर। प्राथमिकता तो तब होती है ना कि जब जो दो ऑप्शन है और पहले किसको बाद में किसको, जी 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 तब तो जी प्राथमिकता की बात होती है ना। यहाँ तो जी जी प्राथमिकता जी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएड की बात है। और सर जैसे हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में हमारी एक सिस्टर बीएड कर रखी थी, उसको सर 14 तारीख 15 अगस्त को उसको ज्वाइनिंग मिल गया सर। तो हम ये समझ नहीं पा रहे कि एक कॉन्डिशन कैसे एक राज्य में बाहर कर दिया जा रहा, दूसरे राज्य से अंदर कर दे रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आपकी सिस्टर एमपी में है और आप कहाँ से हैं? सर जैसे वो एमपी में नियुक्ति पाई है, अभी 15 अगस्त को मिला है सर। तो वो तो उस एमपी में है। जी जी सर। आप कहाँ एमपी में आप भी हैं या कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ यूपी के रहने वाले, आपकी सिस्टर एमपी में है। जी 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 जी। तो पहले इस चीज को समझिए जी कि 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया, एनसीटी ने गजट जारी किया। जी सर। तो जो उसको जारी करने से पहले जो नियम थे, तो जो केंद्र है उसके नियम होते हैं और राज्य सरकार के अपने नियम होते हैं। जी जी सर। जी सर। जो केंद्र का नियम होता है उन्हीं के अनुसार राज्यों को चलना होता है। कुछ कुछ नियम राज्यों को छूट होती है, कुछ अपना भी बनाने का अलग से। जी 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 जी। वो तो शिक्षा समाप्ति सूची के अंतर्गत आता है। तो जब 2018 में गजट जारी हुआ तो जी उसके तहत सभी राज्यों को उसका पालन करते हुए आगे बढ़ना था। जी जी जी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य सरकार जो राजस्थान की है उसको फटकार लगाया है कोर्ट ने कि आप जी जो जी जी हमने जी हमने उसको देखा है कि एनसीटी उसे कहा कि जब तक फालू था एनसीटी का आप क्यों नहीं रखे। हाँ, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो है एनसीटी के नियम से आप बाध्य थे, बंधे हुए थे, आपको जो है उनके नियम के अनुसार चलना चाहिए था, लेकिन आप जो है यहाँ पर गलत हैं, आपने उनके नियम को नहीं माना। जी जी जी। तो जो राजस्थान का मैटर था उस पर जजमेंट में ये कहा गया। जी जी। लेकिन उनको ऑर्डर नहीं किया गया कि आप बीएड को शामिल कीजिए। क्यों? क्योंकि जब जिस गजट को आधार पर बीएड को शामिल करना है, जी जी जी, उस गजट को बनाने में एक प्रक्रिया में जो एक त्रुटि पाई गई, तो उस कारण से उस गजट को रद्द करना पड़ा। जी जी जी। तो जो एनसीटी नियम बनाती है, केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्यों को अपने यहाँ लागू करना होता है। जैसे टेट आजीवन हुआ, जी जी, केंद्र सरकार ने घोषणा किया, एनसीटी ने घोषणा किया, उसके बाद सबसे पहले बिहार ने अपने यहाँ लागू कर दिया, उसके बाद यूपी ने कर दिया, फिर उसका धीरे धीरे कई राज्यों ने किया। जी जी जी। लेकिन आज तक अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस चीज को लागू नहीं किया। नहीं किया सर। हाँ ये जी जी ये प्रक्रिया देखने में आ रही है। इस चीज को ऐसे समझिए कि कोई चीज केंद्र ने बना दिया नियम, जी, तो घर में आपने नियम बना दिया कि पूजा घर में जूता चप्पल पहन के नहीं जाना है। जी 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 जी। तो ये नियम आपने बना करके लिख करके दीवार पे लगा दिया। जिसने पढ़ा, जी, किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। जी जी। जिसने पढ़ा उसमें कोई पालन कर रहा है, कोई जो है नहीं पालन कर रहा नहीं कर रहा है। जी जी जी। तो नियम आपने लिख के जब बनाया है तो अब जो पालन कर रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं कर रहा है तो उसका तो पालन कराना होगा, उसको जो है डांटना होगा, उसे कहना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नहीं पढ़ा है, अनजान है, उसको भी जो है कहना होगा भैया ये नया नियम है, जानकारी कर लो और ये काम करो। जी जी। तो जब तक कोई नहीं करना चाह रहा है या जानकारी नहीं है तब तक तो वो मनमानी करेगा।
जी बिल्कुल सर। तो विवाद होंगे। सर ऐसा है कि जैसे राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो स्थायी के विरोध तो ही करेंगे वो जी। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, योगी जी की है। और सर अभी सुनने में आ रहा है कि 51,000 कुछ पद योगी जी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें बीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अरे आराम आराम से एक एक चीज क्लियर कीजिए, एक साथ ही हर चीज जो समझना चाहेंगे कैसे संभव होगा? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे तो पूरी किताब एक ही दिन पढ़ा देंगे? नहीं 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 सर, नहीं सर, पूरी किताब नहीं एक दिन पढ़ा देंगे, बच्चों को कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में सर, सर आएगा। टॉपिक टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। हाँ तो अभी चर्चा चल रही है एनसीटी पर और जो गजट रद्द हुआ उस पर ना, अभी आते हैं हम लोग स्टेट पर भी आ जाएंगे, उस पर भी चर्चा कर लिया जाएगा। जी। तो वो जो गजट रद्द हुआ है उसमें बीएड को बाहर करने की बात नहीं कही गई, ये सिर्फ यूट्यूब वाले और फेसबुक पर वो बीटीसी डीएलएड वाले सब जो है वो सब चिल्ला रहे हैं, शिक्षा मित्र वगैरह लोग कह रहे हैं इस तरह की बात, जबकि ऐसा है नहीं। तो गजट रद्द हुआ है तो जिस कारण से रद्द हुआ उस कारण को खत्म करके नया गजट आने जा रहा है, अगले महीने लास्ट तक आ जाएगा। और सर ये तो हम जानते हैं सर कि जो गजट रद्द होता है तो नया गजट तो लॉन्च भी तो सरकार कर सकती है। बिल्कुल भाई, आपको भूख लगी आप भोजन पकाएंगे और गलती से गजट चल बिल्कुल गया, सर, शोर आपके तरफ शोर बहुत है, बन जाएगा। आपकी तरफ शोर बहुत, थोड़ा हट जाइए। जी, हम सब बाहर आए हैं सर। जी हाँ तो अगर आपको भूख लगी और आपने भोजन पकाया वो जल गया तो फिर आप जी भूखे तो रहेंगे नहीं, फिर से भोजन पकाएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल जो काम करना है तो वो एक बार गड़बड़ी हो गई लेकिन ऐसा तो नहीं उस गड़बड़ी कार्य छोड़ देंगे। चंद्रयान 1 जो है फेल हो गया, चंद्रयान 2 फेल हो गया, तो क्या रुक गए क्या? नहीं नहीं सर, प्रक्रिया चलती रही। चलती रही और चंद्रयान 3 लॉन्च किए और फिर सफल हो गए। जी सफलता मिली बिल्कुल सर। तो ऐसे ही एक गजट रद्द हुआ है तो जिस कारण से रद्द हुआ है उस कारण को दूर करके अभी जा रहे हैं एक्सपर्ट कमेटी बनाने, कमेटी बना करके उससे जो है अप्रूवल ले करके तब गजट जारी कर देंगे। जी सर, जी तो सर, जहां जो नियुक्ति पा गया है उसको बाहर नहीं किया जा रहा है, जहां जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे बीएड को बाहर नहीं किया जा रहा है। जी। अभी छत्तीसगढ़ में सर नियुक्ति तो मिल गई है। हाँ अभी कल का न्यूज है कि छत्तीसगढ़ में सारे बीएड वालों को नियुक्ति पत्र दिया जी गया है, जी किसी को बिल्कुल रोका जी नहीं गया। जी 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 और ये जो है सुप्रीम कोर्ट मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भैया इनकी काउंसलिंग कराइए, नियुक्ति पत्र भी दीजिए, जी 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 क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जब पढ़ी 11 अगस्त का जजमेंट तो उसमें कहीं ऐसा ही नहीं है। जी 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 तो बीएड बाहर नहीं हुआ है ये सिर्फ जो है लोग बोल रहे हैं ऐसा, उस गजट को आपने देखा है उसमें जजमेंट को, उस जजमेंट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है और जी नया गजट आने बिल्कुल जा रहा। बिल्कुल कहीं सर, मैंने उसको पूरा बारीक से पढ़ा उसको, जो उसको सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहीं नहीं लिखा गया। सिर्फ यह राजस्थान के बारे में वही दिए हैं कि यहाँ ये राजस्थान के बारे में, और ये नहीं कहीं लिखे कि ये बीएड को बाहर कर दिया गया। जी तो बस निश्चिंत रहिए, जो आपके सिस्टर वहाँ लगी हैं जी जी बिल्कुल सर, तो उनका जो है वो जॉब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी और नया गजट आ जाएगा। जी तो जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे और हर भर्ती में बीएड ही रहेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो यही कहता है सिर्फ बीएड रहेगा। जी सर। अच्छा सर एक चीज और, जैसे जो प्रतीक मिश्रा बनाम हम लोग को याचिका टेट टेट वाले में लगी हुई, क्या सर उस वो मार्कशीट हम लोग को मिलेगी कौन से टेट की बात कर रहे हैं, कौन से ईयर की? जो अभी 2021 वाली जो 22 में पेपर कराए थे? बिल्कुल तो क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपने पास किया तो क्यों नहीं मिलेगा? सर, 103 नंबर हमारा सर है। अरे तो कोर्ट कचहरी अगर कोई कर रहा है तो वो जी मूर्ख है, कोर्ट कचहरी करने की जरूरत ही नहीं है। कोई चीज अगर समस्या आई है या कोई कारण जी है रोका गया है तो वो कारण दूर होगा, वो समस्या दूर होगी फिर मिलेगा ही, जी और जी आपने जी नेट पर देख ही लिया होगा, प्रिंट कर लिया होगा, जी नेट पे करके उसको रखे हैं सर, तो प्रिंट वही आउट निकाल काफी के है। रखे हैं। अब तो हर चीज ऑनलाइन हो रहा है तो अब तो सर्टिफिकेट भी देना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, जी। हर चीज ऑनलाइन। डिजी जी लॉकर जी में रख लीजिए सारे सर्टिफिकेट, जी 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 उसी से सारा काम हो जा रहा है, जी 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 तो वो सर सर्टिफिकेट मिलेगा और बीएड फिर से जो है लिया जा रहा है और लिया जाएगा, आगे बीएड ही रहेगा, नया गजट आने जा रहा है। जी तो ये तो हो गया बीएड बीटीसी मैटर जो था उससे संबंधित, इसमें जी कोई सर दिक्कत नहीं है, बीएड ही रहेगा सिर्फ, अन्य सारे कोर्स बंद होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा ही है। जी सर, ये 2030 तक के तो सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो बंद हो जाएंगे।
बंद अभी हो जाएंगे, लिए जाएंगे 2030 तक। वही सर, जो 2030 तक जो किया हुआ लिया जाएगा। लेकिन सर एक चीज और उसमें हमने सुने में आ रहा था कि जो 2030 तक जो प्रक्रियाएं बीटीसी वाले पास कर लेंगे तो उनको तो कर लेंगे, नहीं तो जो नहीं पास कर पाएंगे 2030 तक, क्या उनको एक रद्दी कागज हो जाएगी क्या उनकी मार्कशीट? अब उनके 2030 तक सरकारी नौकरी ले लेंगे तो ठीक है, नहीं ले पाएंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, फिर प्राइवेट में अपना करते रहेंगे। वही सर, हमने उसको देखा था बारीक से तो हमको पता चला कि 2030 तक ये लोग पा जाएंगे तो बाबा है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर, तो हम लगातार बताते हैं कि सारे पद भरने हैं, और पद जो भी हैं वो दो तरह के हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पद होते हैं वो अपना भरेगी, और केंद्र सरकार जो योजना लेकर आती है तो वो अलग होते हैं, भर्ती स्टेट गवर्नमेंट ही है लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार अलग से घोषणा करती है। तो अभी जो है नया आयोग बनना है, गठन तो उसका कैबिनेट से पास तो हो गया है, गठन नहीं हुआ है। जी, अभी तो कार्यभार भी नहीं ले पाए हैं लोग। तो अभी वो जो है जब नया आयोग कार्य करने लगेगा तो विज्ञापन आएगा, भर्ती होगी। ठीक है, अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें भी चर्चा हुआ है, रिक्त पदों को भरने की बात की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं सरकारी काम है, थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। जी बिल्कुल, वक्त तो लगेगा ही। तो अभी शिक्षा विभाग में 51,000 की भर्ती की बात, अभी वो भले उसमें चर्चा में है लेकिन अभी वो नहीं होना है, वो अगले वर्ष तक शिक्षा विभाग की भर्तियां आएंगी। अभी अन्य विभागों में जहाँ खाली है पद वो भरे जाएंगे, तो आप तैयारी करते रहिए, 51,000 भर्ती आएगी अगले वर्ष, तो उसमें सुपर टेट या जो भी जैसे भी कराएंगे, मानकर चलिए कि जैसे बिहार करा रहा है दो एग्जाम, अब ऐसे ही होगा, नया आयोग कराएगा तो वो भी जो है अपना पैटर्न चेंज करेगा। तो सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, जैसे बिहार का सर, सुपर टेट की तैयारी हम शुरू कर दिए हैं सर। तो जैसे बिहार ने कराया प्री मेंस, उसका सिलेबस ले लीजिए, अपने यूपी का सुपर टेट का ले लीजिए, राजस्थान में रीट वगैरह का सिलेबस ले करके पूरा तैयारी उसी तरह से कीजिए। जी सर, बिल्कुल सर। तो भर्ती आएगी, उसके लिए निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। ठीक है सर, ओके सर। और कहीं कुछ डाउट? नहीं सर, बिल्कुल बस यही था, यही था सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक, ओके सर, धन्यवाद सर। वेलकम।